welcome to this training session for trauma. This program is developed by a group of 200 surgeons and a lot of other faculty. 80% of the people who are in those headlines that are killed, those who are not surviving, they can be rescued, they can be saved. Life is important. Life is one thing that cannot come back. And you guys are the one who will save those lives. And you are the one who will stop this menace of life loss on the road. So we will talk about all the problems that can happen in the road accident today, so that you have things in your mind and you also know, what you can deliver and what you cannot deliver. Our goal will be all the police stations where you are working will have a kit that's known as trauma kit. यहाँ पे दो नलियाँ हैं, एक खाने की नली है और एक सांस की नली है. फ्रैक्चर का पेशेंट होगा, अगर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होगा तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा और दर्द बता रहा होगा. छोटा मोटा हेयरलाइन फ्रैक्चर होगा तो वो बोलेगा इस तरफ दर्द हो रहा है. आपको एक सुई से उस आदमी को बचा सकते हैं. अगर आपने वो सुई नहीं लगाई तो आदमी नहीं बचेगा. Hi, मैं डॉक्टर व्यास, आई एम अ सर्जन एंड आई हैव बीन कॉल्ड टू दिस ट्रॉमा सीन. यहाँ पे पुलिस जीप को माउस ने एम्बुश किया है. मैं आइडेंटिफाई करूँगा कौन कौन से मरीजों को पहले प्रायोरिटी पे ले जाना है, कौन से मरीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा इलाज करके मदद दे सकते हैं. हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मरीज अब बचाने लायक नहीं है और उनको कैसे इज्जत को हम उनको अस्पताल ले जाएंगे. इसके लिए मैं एक लोकल टीम बनाऊँगा जिसमें एक जर्नलिस्ट है यहाँ पे, एक एनजीओ वर्कर है और एक लोकल पुलिसमैन है. सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर एम ए रिपोर्टर हैं, ये एम बी हैं, ये हमारे साथ में यहाँ पे सोशल वर्कर हैं, ये पुलिस वाले हैं. हम इनको समझाएंगे कैसे करना है. हमारे पास अभी 5 आदमी हैं, 25 आदमी और आएंगे अभी एक्सीडेंट साइट से. हमने बेस कैंप बनाया यहाँ पे और हम यहाँ पे मदद करेंगे. ये मेरा थोड़ा सा कार के अंदर जो टूल किट रहता है वो मैंने रखा है यहाँ पे और मैं बोलूँगा क्या क्या लेके आना है. अपने मरीज 4 में डिवाइड करेंगे. या तो मरीज बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है जो जा चुका है ऑलरेडी, उसको अपन ब्लैक जोन बनाएंगे और अपन उसको पीछे रखेंगे. हमने एक ऑलरेडी मरीज है जिसका कि एक्सीडेंट हो गया है, उसमें बिल्कुल भी पल्स वल्स कुछ नहीं है, उसकी लगता है बहुत देर पहले मौत हो चुकी है, तो हमारा ब्लैक जोन पे है. हमको उसको इज्जत देनी है और कोई जैसे ही एम्बुलेंस आएगी हम उसको लास्ट के अंदर लेके जाएंगे, उसका हमको ध्यान रखना है. उसके बाद में ये 4 मरीज और हैं, हम इनका वापस फटाफट इलाज करेंगे और जो जो जरूरत होगी वो हम बताएंगे. ठीक है, आपकी क्या तकलीफ हुई है? 4 नंबर में और मेरा को पहले हाँ मुंडो नाक तीस का पॉइंट है ना, क्या बोलते हैं हिंदी. हाँ, आपको इस मरीज का धड़कन एकदम बराबर चल रहा है, आराम से बात कर रहे हैं, हमको आपको समझ में आ रहा है, आप आराम से रहें, हम आपका ध्यान रखेंगे. ये मरीज हमारा ग्रीन जोन में है, हम इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे. आप यहाँ रहेंगे, आपको इनके बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं पता. आपका 7 का आदमी है, आप नहीं जानता इनको, कोई बात नहीं, आप यहाँ रहें, कोई भी तकलीफ होगा मेरे को बताएंगे. ओके, और इन मरीजों को सेवा करने में मेरी मदद करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछेगा. ठीक है, हाँ, आपको क्या तकलीफ है? आपका यहाँ दर्द हो रहा है और पीछे दर्द हो रहा है. आपका टांग वांग हिलता है बिल्कुल भी? नहीं हिलता है. सो आई एम सस्पेक्टिंग अ स्पाइन इंजरी इन दिस पेशेंट. इनका एयर वे इंटैक्ट है, ये आराम से सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनकी धड़कन बराबर चल रही है. इनको मेरे को सर्वाइकल कॉलर लगाना पड़ेगा. आप मेरे को एक गर्दन को संभालने का सामान देंगे, मैं इनका सर उठाऊंगा, आप धीरे से पीछे वाला इनके घुसाएंगे. ठीक है, चलिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब आप आगे लगाएं इनके. हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. हम आपको दवाई का इंजेक्शन वगैरह सब देंगे. ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आपके और कहीं दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है. आप इनका सर रख दीजिए, आप उनका टांग पकड़ेंगे, आप इनके यहाँ रखेंगे हाथ. ठीक है, मैं जब बोलेगा तब इनको टर्न करेंगे अपन एक साथ, और जब मैं बोलूँगा तब वापस टर्न करके सीधा करेंगे. ठीक है, मैं इनका सर पकड़ेगा. ओके, हाँ, 1 2 3 चलिए टर्न. अब हम इनको पीछे लेंगे और अब इनको वापस ट्रांसफर कर देंगे हम. चलिए, या अब वापस 1 2 3 चलिए, वेरी गुड जॉब. आपने देखा सीन के ऊपर बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को करने में. हाँ, अब ये स्टेबल है, इनका जब बारी होगी, ये ऑरेंज जोन में हमारे, इनको हम बाद में लेके जाएंगे. एक बार वापस चेक करेंगे, इनके अंदर बिल्कुल भी सांस नहीं है, तो इनको हमने ब्लैक जोन में ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है. इनको हम ऐसे ही रहने देंगे, इनको हम लास्ट में लेके जाएंगे.
इनकी हालत तो बहुत खराब है। बचाओ साहब, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर वन है, क्योंकि इनके 30% ज्यादा दर्द है, अब इनको लेके जाएंगे, ठीक है? इनको आप फटाफट आईवी लाइन लगाएंगे और इनको आईवी लाइन लगा के हम लेके जाएंगे और इनको जैसे हमने उस मेहनत की वैसे पूरा इमोबिलाइज करके लेके जाएंगे, ठीक है? हम इनको वैसा का वैसा पूरा केयर देंगे फिर लेके जाएंगे सीन पे। आप मेरे साथ आ जाएं और हम इनको प्रायोरिटी पे लेके जाएंगे। इनके लिए ट्रेनिंग का चाहिए, हम आपका बहुत मदद करेंगे, आप चिंता, हम आपको मदद करेंगे। ऑरेंज जोन में लेके जल्दी लेके जाएंगे, आप इनको लगाएंगे पट्टी को जल्दी से। इस एक्सरसाइज के जरिए, इस मॉक ड्रिल के जरिए हम आपको एजुकेट करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा मरीज प्राथमिकता पे, कौन सा मरीज प्रायोरिटी पे जाएगा और कौन सा मरीज को हम रख सकते हैं और कैसे जिस आदमी की जान चली गई है उसको इज्जतपूर्ण बाद में ले जा सकते हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का सिस्टम है, उसमें प्रायोरिटाइजेशन ट्रांसपोर्ट का है, इसमें प्रायोरिटाइजेशन उसका है कि हम कैसे लोकल फार्मेसी नर्सिंग स्टाफ को एंगेज करेंगे और इन सब के थ्रू हम फ्यूचर के अंदर आदमियों को बचा पाएंगे। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा लगी है। ट्रेनिंग करने से हम लोग को मालूम हुआ कैसा उन लोग को पेशेंट्स को कैसा लेके जाना, कैसा उन लोग को ट्रीटमेंट देना और कैसा उन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाना। जिना फिर जाने से पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हो रहा, प्रैक्टिकल होने से डर चले आता सब। हमारा को इससे पहले कुछ भी नहीं मालूम था, अब ये बारे में हम सीख लेने के बाद हम लोग थोड़ा अवेयरनेस आ गया। हमारे को तो ये ट्रेनिंग अच्छा है, हम पुलिस ट्रैफिक से 25 मेंबर्स तक सीख ले रहे हैं।